बच्चों एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन 1 के 6th क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं, तो 6th क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो ये बोलता है 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू माइनस 2, एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 13/6। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें ये फ्रैक्शन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू माइनस 2, इनका एलसीएम 6 आ जाएगा। तो 2 3 जा 6 तो 3 इंटू 3x माइनस 3 2 जा 6 तो 2 इंटू 5y इक्वल टू माइनस 2, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 2 इंटू 6 इक्वल टू माइनस 12। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2, तो इनका जो एलसीएम है 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6 तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 इंटू 6, 6 1 जा 6 6 1। तो बच्चों 6 1 जा 6 6 1 जा 6 6 6 कट गया तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इस इक्वेशन 2 दे देंगे। अब इसमें देखिए सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 10y माइनस 12 एंड x इक्वल टू हो जाएगा 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2, है ना, x इक्वल टू 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9 को इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। अब देखिए अब इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10y से तो हो जाएगा 20y माइनस 12 टू जो 24 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 13। अब यहाँ पे इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 20y क्योंकि 9 1 9 तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू रहेगा प्लस 9 इंटू 3y इक्वल टू 13। है ना, अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 27y इक्वल टू 13 इंटू 9। अब ये 20y प्लस 27y 47y हो जाएगा माइनस 24 इक्वल टू 9 3 जा 27 कैरी ओवर टू 9 2 जा 11 117, सो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24 जो हो जाएगा 147 नहीं 141 हो जाएगा ये, ठीक है। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 141 डिवाइडेड बाई 47 इक्वल टू 3, 47 वन जा 47 47 3 जा 141। अब देखिए हम लोग y का वैल्यू 3 ले लिए, अब y का वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो हम लोग पुट कर देंगे पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4, सो दैट x इक्वल टू 4 बाई 2 इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसमें वैल्यू आ गया, आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो बच्चों चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चैनल देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत आपका धन्यवाद।